से शादी करके ही मानी। तो आपको अक्षय कुमार की पहली फिल्म 1980 मॉडलिंग में माथा पेची, तो जरूर को पता है कि अक्षय कुमार का जन्म कब बताएगी। अक्षय कुमार ने शाहरुख, अक्षय कुमार के बारे में 10 सीक्रेट किसी को भी नहीं पता होंगे। अच्छा तुमको सिखा दिया। क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार का जन्म कब और कहां हुआ था? और क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार ने शाहरुख खान से भी ज्यादा अवार्ड जीते हैं? और क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट्स भी सीखा हुआ है? इम्पोर्टेंट, अक्षय कुमार की शादी कब हुई थी? सब बात कौन बताएगा भाई? ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ ना। क्यों हिला डाला ना भाई? लो, क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 में अमृतसर में हुआ था? और क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है? क्या बात करते हैं यार। तो भाई लोग, अक्षय कुमार दिल्ली की चांदनी चौक में बचपन गुजारने के बाद मुंबई आ गए और उन्होंने गुरु नानक खालसा कॉलेज में पढ़ाई की। अक्षय कुमार को मार्शल आर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, मुंबई आकर मार्शल आर्ट सीखा। उन्होंने मार्शल आर्ट भी सीखी और पुराने समय में सेफ और वेटर को भी नौकरी की। अरे बस कर भाई। फिर उनके एक दोस्त ने कहा कि आप काफी हैंडसम है, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि आप मॉडलिंग कीजिए। तो उन्होंने, अक्षय कुमार ने मॉडलिंग में भी अजमाया अपना करियर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप मॉडलिंग में माथा पेची तो जरूर था, लेकिन पैसा भी बहुत था। सिस्टम पार देंगे। इतना वो मार्शल आर्ट्स करके सिखाते थे, पैसा कमाते थे, उतना तो दो दिन में मॉडलिंग करके कमा चुके थे। हाँ तो भाई लोग, अक्षय कुमार का ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। बात तो सही है। हाँ तो भाई लोग, 1987 में अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म आज में सर की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी फिल्म में, जो कि मात्र 7 सेकंड की थी। अच्छा। हाँ तो भाई लोग, अक्षय कुमार की पहली फिल्म 1991 में बतौर हीरो सौगंध अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी। और उनके जब पैर बॉलीवुड में पड़े तो उनके काफी सारे ऑफर आने लगे उनको बॉलीवुड में, तो उन्होंने आंख बंद करके सारी मूवी साइन कर ली। तो भाई लोग, अक्षय कुमार तेजी से काम करना पसंद करते हैं, तो उन्होंने फिर काफी सारे दिनों में, एक साल में लगभग 4 से 5 फिल्में रिलीज कर दी थी। उन्होंने उनके 1994 में एक दो फिल्म नहीं बल्कि 11 की 11 फिल्म रिलीज हुई। और भाई, क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार काफी दिल फेक इंसान है? वो दिखता भी है हम लोग को। अच्छा हमको सिखा दिया है। भाई साहब, पूजा बटरा रविंद्र टांडव शिल्पा शेट्टी के साथ जमकर रोमांस किया था, और भाई साहब उन्होंने फिट ट्विंकल खन्ना के लाइफ में एंट्री मार ली। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही है। उसके बाद अक्षय से शादी करके ही मानी। तो आपको पता चल ही गया हुआ कि अक्षय कुमार की पत्नी कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई, क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार की सारी फिल्में लगभग फिल्में खिलाड़ी पर आधारित है? लगभग फिल्में का नाम खिलाड़ी है, सुनिएगा। खिलाड़ियों का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 686। अरे मुझे चक्कर आने लग। भाई साहब, इतना तो खिलाड़ियों का भी, खिलाड़ी नहीं होगा उतना इनका मूवी हो गया है। भाई लोग, हेरा फेरी अक्षय कुमार की सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुई उनके जीवन की, साल 2000 में जो की फिल्म आई थी। भाई साहब, मूवी देखने लायक थी, एकदम बहुत बढ़िया मूवी थी। आप लोगों ने देखी है, कमेंट करके जरूर बता। भाई साहब, उनको हेरा फेरी मूवी मिली तो लोगों को अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने अच्छा कहा कि कॉमेडी। अरे कहना क्या चाहते हो भाई साहब, वो तो 9:30 बजे सूत जाते हैं और सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं, उनका तो भाई फिक्स है। रात को अगर देर भी हो जाती है सोने में तो वो सुबह 4 बजे जरूर उठ जाते हैं, इसीलिए वो पार्टी वगैरह से दूर रहते हैं अक्षय कुमार, और वो लेट नाइट कोई काम भी नहीं करते हैं वैसा। क्या तुमको पता है कि उनकी बेटी का नाम नितारा है? और भाई, क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार अपने डिसिप्लिन में काफी पक्के इंसान है? नहीं। तो भाई लोग, क्या तुमको पता है कि अक्षय कुमार साल में 2 बार घूमने जाते हैं? अक्षय कुमार ऐसा देश चुनते हैं कि उन्हें कोई जानता नहीं हो, उनको कोई इधर उधर का आदमी टोके टाके नहीं, इसीलिए वो ऐसा ही देश चुनते हैं जहाँ पे कोई जानता नहीं हो। वो अपने माता और अपने पत्नी और अपने बेटी को काफी ज्यादा इज्जत देते हैं, करते हैं। भाई साहब, आज हमको पता चल रहा है कि उनकी बेटी का नाम नितारा है, उनका बेटे का नाम आरव है। बेटा बेटी को
मीडिया से दूर रखते हैं। तो भाई लोग यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना यार। अब तुम लोग में से देख रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो करो चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।